खामोशियाँ। जी हाँ, ये शब्द ना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कुछ पल जो होते हैं ना, वो खामोश हो जाते हैं। कभी कभी वो खामोशी हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उस खामोशी में हम अपने आप से बातें करते हैं, हम अपने आप से सवाल करते हैं कि क्यों खामोश है तू, क्यों गुमसुम राह में चल रहा है तू, क्या दर्द है तुझे, क्या तू भी अपने दुख अपने दर्द से परेशान हो गया है, क्या तेरा खुदा तुझसे रूठ गया है, क्या तेरे अपने तुझसे पीछे छूट गए हैं। खामोशियाँ बहुत कुछ कहती है। कभी कभी खामोश रहने में भी अपना एक मजा है। जी हाँ, अपना मजा ये है कि उस खामोशी में आप शांत रहकर काफी कुछ सोचते हो, आप महसूस करते हो उस अकेलेपन को, आप महसूस करते हो उस अकेलेपन को कि आपकी जिंदगी में कितनी खामोशियां हैं, और उस खामोशी में जीते हो जो कहीं ना कहीं आपके लिए है ही नहीं। पर हाँ, कभी कभी वो खामोशी आपको अच्छी जरूर लगती है, क्योंकि जो रिश्ते दिल से जुड़ते हैं ना, और जो बात में दुख देते हैं, जो दर्द आपको फील होता है कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, क्या मेरी जिंदगी में सिर्फ खामोशी है, क्या मुझे कोई हक नहीं दो पल जीने का, क्या मुझे हक नहीं दो पल सुकून से बैठ जाने का, जो पल सुकून से जीने का। खामोशियाँ अच्छी लगती है, होनी चाहिए। खामोशी अगर ना हो तो खुशी महसूस नहीं होगी, और खुशी अगर ना हो तो खामोशी महसूस नहीं होगी, क्योंकि खुशी और खामोशी में दोनों में अलग अलग मज़ा है। मज़ा ये है कि खुशी में आप दिल से खुश होते हैं, और खामोशी में झूठी स्माइल दिखाकर।